चतरा में 300 एकड़ में अवैध अफीम की खेती को किया गया नष्ट। 6 टन डोडा भी किया गया नष्ट। चतरा पुलिस चतरा जिले को अफीम मुक्त बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित है। इस वर्ष अफीम की खेती पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए चतरा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाकर लोगों को जागरूक तथा अफीम की खेती का विनिष्टीकरण किया जा रहा है। इस क्रम में अभी तक लगभग 300 एकड़ अवैध अफीम की खेती को विनिष्ट किया जा चुका है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा अफीम कुंदा एवं लावालौंग थाना क्षेत्र में विनिष्टीकरण किया गया है। कई जगहों पर विशेषकर वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के ग्रामीणों के द्वारा स्वयं जागरूक होकर अवैध अफीम की खेती का विनिष्टीकरण किया गया, जो एक सराहनीय पहल है। पूर्व के कांडों में जब्त डोडा अफीम इत्यादि जो थाना परिसर में रखा गया है उसे विधिवत विनिष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में बीते 5 जनवरी को लावालौंग थाना क्षेत्र के कई कांडों में जब्त लगभग 6 टन डोडा का विनिष्टीकरण किया गया है। साथ ही साथ कांड में जब्त वाहनों के नीलामी हेतु माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। चतरा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चतरा पुलिस चतरा जिले को अफीम मुक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस बार भी हम लोग विगत वर्ष की भांति जो अफीम की खेती की गई है उसे विनष्ट करने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। इस क्रम में आज तक लगभग 300 एकड़ की अफीम की खेती को पुलिस के द्वारा विनष्ट किया जा चुका है, जिसमें सर्वाधिक कुंदा थाना क्षेत्र एवं लावालौंग थाना क्षेत्र में लगे हुए अफीम की खेती को विनष्ट किया गया है। कई जगहों पर, खासकर वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के जगहों पर, लोगों के द्वारा स्वयं अफीम की लगाई हुई खेती को विनष्ट किया गया, जो कि एक सराहनीय पहल है। इसके अलावा हम लोग जो पूर्व के कांडों में जब्त डोडा अफीम इत्यादि जो कि थाना परिसर में रखा हुआ था उसे विधिवत हम लोग डिस्पोज करने की तैयारी कर रहे हैं और उसे करते चले जा रहे हैं। इसी क्रम में कल हम लोगों ने लगभग 6000 केजी डोडा का, जो कि लावालौंग थाना के विभिन्न कांडों में जब्त हुआ था, 6000 केजी डोडा को जो है सो विनष्ट किया है। और साथ ही साथ कई सारे कांडों में जो जब्त वाहन इत्यादि हैं उसके नीलामी के लिए भी हम लोग माननीय न्यायालय से हम लोगों ने आदेश प्राप्त किया है और अग्रसर कार्रवाई की जा रही है।